सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्तित्व रहे हैं और खास करके उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत पत्रकारिता से हुई, इसलिए पत्रकारिता हमारा भी क्षेत्र है। तो मुझे लगा कि अटल जी की जो राष्ट्रवादी पत्रकारिता है, राष्ट्रीय सोच है, उनके लेख, उनकी संपादकीय और उनके विचार ने बहुत प्रभावित किया। इस नाते में उनके राष्ट्रीय पहलुओं को लेकर, राष्ट्रवादी विचार को लेकर पुस्तक लिखने का मन बनाया। अटल जी के संदर्भ में बहुत अनेक ऐसी घटनाएं हैं जिनका हम स्मरण करते हैं। खास करके यदि हम पत्रकारिता के लिए बात करें तो अटल जी पत्रकारों की बात को ऐसे समझते थे। एक बार का एक प्रसंग है कि साहिब सिंह वर्मा जी का निधन हो गया था और 11 अशोका रोड में कार्यालय में उनकी पार्थिव रखी गई थी। तो अटल जी वहाँ उस पार्थिव में आए थे दर्शन के लिए और बैठे थे। उस समय वर्तमान में अध्यक्ष पार्टी के, बीजेपी के अध्यक्ष राजनाथ जी थे। तो अटल जी की सुरक्षा के लिए एसपीजी के लोगों ने, बाकी जनता आ रही थी और पत्रकारों को उधर अंदर आने से रोक दिया। पत्रकारों ने को खबर चाहिए थी, यानी मीडिया को वो सीन चाहिए, वो फोटो चाहिए जहाँ पर कौन कौन वीआईपी आए और क्या क्या हुआ। तो हल्ला मचा तो धीरे से अटल जी ने पूछा उस समय के तत्कालीन कार्यालय मंत्री से कि क्या हो रहा है, क्यों हल्ला हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि मीडिया को बाइट चाहिए और मीडिया की एंट्री नहीं हो पा रही है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, रोकिए मत इन लोगों को, आने दीजिए, क्योंकि मैं खुद पत्रकार रहा हूँ। इस तरह से, इस संजीदगी से पत्रकारों के लिए और खबर के मिजाज को समझने वाले अटल जी हम सबके लिए और मीडिया के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत व्यक्तित्व रहे हैं।